एक और फैसले का इंतजार है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी इस मसले को लेकर तेज हो गई है। मंदिर और मस्जिद के फैसले के बीच राजनेता और धर्म गुरुओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है और मुझे लगता है एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर आखिरी फैसला आ जाएगा। सारे देश को इंतजार है और सरकार को बयान देना चाहिए कि जो भी फैसला आएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक मिसाल है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चलिए, हमें खुशी है कि आज हियरिंग जो है पूरी हो रही है। दूसरे हिंदू पक्ष जो कह रहे हैं कि साहब एक इतिहासिक गलती हुई है, इतिहास का उनको पता ही नहीं है। देखिए, एक बड़ा स्पष्ट बात है, हिस्ट्री की बात है ये। राम जी राजा दशरथ के बेटे थे और राजा दशरथ महल में रहते थे, तो राम जी की पैदाइश मंदिर में तो हुई नहीं। ये लोग जो कहते हैं महल में पैदा हुए राम जी, अब या तो ये पहले ये बताएं कि राजा दशरथ के महल को तोड़कर मंदिर में कब तब्दील किया गया, पहले इसको स्पष्ट करें। उसके बाद में वो मंदिर किसने बनाया उसको स्पष्ट करें, जिसके बारे में बार बार ये कहते हैं कि साहब मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बातें हैं। और 1886 से पहले, सॉरी 1886 में इन्होंने जो दावा डाला था, नीचे की मजिस्ट्रेट ने बाकायदा इनके दावे को खारिज कर दिया था और चबूतरे पर इनका दावा था। 1949 तक भी चबूतरे पर दावा रहा। 49 में ज़बरदस्ती इन्होंने रात में घुस के मूर्तियाँ रख दी। ये ऐतिहासिक गलती नहीं है, ये इतिहास को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जिस तरह कहते हैं कि कैप्चर करने वाली बात है कि साहब इतिहास में ये ज़रूर आएगा कि मूर्तियाँ ज़बरदस्ती रखी गई। आज देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार और साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से लंबित श्री राम मंदिर के केस को सक्रियता से सुना, कितने लोग आए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया इस राम मंदिर और के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है और उसने सक्रियता दिखाई, गगोई जी जो पूर्व जो वर्तमान चीफ जस्टिस है और तमाम और भी जजेज हैं, हम सबको बधाई देंगे। तो निश्चित रूप से हमें एक आशा और विश्वास है कि ये निर्णय जो आएगा वो देश के लिए एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में आएगा। CGI ने पार्टी से पूछ कर ये टाइम शेड्यूल फिक्स किया था, 2 घंटे प्लेंटिफ सूट नंबर 4 के और 2 घंटे डिफेंडेंट्स। तो डिफेंडेंट्स ने आज पूरा दिन ले लिया और एक पार्टी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए कल के लिए CGI ने कहा कि भाई अब कल का दिन उनके अपने लिहाज से उनको ख़त्म करना था, तो उनका 45 मिनट जो है वो चार स्लॉट्स में आप कर लीजिए। उसमें कोई नई बात नहीं कही उन्होंने, उस टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कहा इनसे, चूँकि ये सूट डिफेंडेंट नंबर 2 की तरफ से पारासरन साहब ने बहस की और दयानंद साहब बहस कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका टाइम वो थोड़ा कटेल किया भाई, क्योंकि बाकी पार्टीज को निभोए खड़ा है और लोग भी हैं, इसलिए उन्होंने उसी टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ नहीं कहा। देखिए, मैंने जहाँ तक पूरे देश के अंदर भ्रमण करने के बाद मुसलमानों के और हिंदुओं के सभी तबकों में मिलने के बाद एक बात को महसूस किया, ना तो देश का मुसलमान राम मंदिर के खिलाफ है और ना रामचंद्र जी के पुरुषोत्तम होने में उसको कहीं कोई एतराज़ है या वो रामचंद्र जी से का आदर नहीं करता है, बल्कि हकीकत यह है भारत का मुसलमान हमेशा से ही रामचंद्र जी का आदर करता रहा है, उनका हमेशा उसने जो है सम्मान किया है। मगर गलतियां जो 70 सालों से इस देश में हुई उनका एक एक करके जब तक हम निर्वाहन नहीं करेंगे, एक एक को जो है उन गलतियों को जो है सफ़े से नहीं मिटाएंगे और एक नई तारीख नहीं लिखेंगे, उससे पहले एक अच्छा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन पाएगा। क्योंकि जो गलतियाँ पिछली सरकारों ने की हैं, हमें उन पर बगैर किसी जो है लालच के, इच्छा शक्ति के साथ एक्शन करना होगा।